Hey guys, welcome back. So in this video lecture we'll going to discuss the rest of the topic from chapter 1st, which is chemical reactions and equations from NCERT science book. So in previous video we were discussing about the balancing of equations, right? So but in this video lecture there are some kind of chemical reactions, right? So in this book we basically have three types of reactions, which is combination reaction, decomposition reaction and displacement reaction. So we will discuss all the reactions one by one. So first of all, combination reaction is there. तो combination reaction जैसे कि इसका name suggest करता है हमें कि किसी चीज़ का combine हो जाना, ठीक है? तो जैसे दो चीज़ें हैं, वो दो चीज़ों को हम जुड़कर वो जब भी कंबाइन हो जाती हैं उनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. जैसे कोई भी दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स जो होता है कि जिससे हमें रिजल्ट मिलता है, रिएक्टेंट के थ्रू ही हमें प्रोडक्ट मिलता है ना, तो रिएक्टेंट्स हमें प्रोडक्ट देते हैं. तो जब भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट की, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे ये बीकर लिया हमने, बीकर में थोड़ा हमने वाटर पोर कर दिया और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड के सॉलिड क्रिस्टल डाल दिए, ठीक है. तो इन कैल्शियम ऑक्साइड के क्रिस्टल से हमें क्या निकलेगा, हमें हीट प्रोड्यूस होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ये रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, ठीक है. तो ये फॉर्मेशन जिसको हम स्लेक लाइन भी बोलते हैं, ये इसकी स्लेक लाइन की फॉर्मेशन कर देंगे. तो क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइन विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या करेंगे, रिलीज़, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करेंगे, ठीक है. तो हीट जब ही रिलीज़ होगी तो क्या बनेगा, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट एक्वस फॉर्म में बनेगा, ठीक है. ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, और ये वाटर लिक्विड की फॉर्म में, ये क्विक लाइम भी बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, और ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है. और क्या होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट रिलीज होगी. फिर फर्दर जब हम इसको जब भी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा और हमें वाटर देगा, ठीक है. तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है. वाइट वॉश मतलब जो हम घरों में पेंट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ना, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है. तो जब भी ये ना जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है, ठीक है, दो तीन दिन तक ये रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट. तो इस कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से हमारे वॉल्स को शाइनी अपीयरेंस मिलती है, ठीक है. तो ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा हमें और ये वाटर रिलीज होगा. तो कैल्शियम कार्बोनेट है वो फॉर्मूला, हमारा केमिकल फॉर्मूला है मार्बल का, ठीक है, ये मार्बल का केमिकल फॉर्मूला भी है. तो नेक्स्ट है कि बर्निंग ऑफ कॉल एंड नेचुरल गैस. तो ये जब भी कॉल कम्बशन, उसकी कम्बशन होगी या बर्न करेगा तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना जब भी हम कॉल को बर्न करते हैं, एंड नेचुरल गैस मीथेन है ना, मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जब भी उसको रिएक्ट करवाते हैं या वो बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर रिलीज होते हैं, ठीक है. तो जब भी फॉर्मेशन ऑफ वाटर होती है तब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ना कि वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन, तो जब भी सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन जब भी कंबाइन करते हैं तो वो वाटर की फॉर्मेशन करते हैं. तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आता है, ठीक है. सो वो नेक्स्ट है कि ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है. एक्सोथर्मिक मतलब जब भी हीट आउटसाइड को, मतलब एक्सो मीन्स बाहर को, जब भी और हीट आउटसाइड, एक्सो का बेसिकली मतलब होता है कि बाहर की साइड है ना, और थर्मिक का मतलब हीट. तो जब भी कोई भी किसी भी प्रोसेस में ना हीट बाहर को रिलीज होएगी तो वो कहलाएगी कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है. जैसे ये लिखा है हीट इज़ गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हमें जब भी हम बाटर के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल रहा था, तो उसके साथ बड़ी सारी हीट रिलीज हो रही थी ना, तो वो कौन सी प्रोसेस है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है,
ठीक है। तो एक और एग्जांपल है, जैसे कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों है एक्जी? जब भी हम रेस्पिरेशन मतलब सांस लेते हैं हम, तो हीट बाहर को निकालते हैं ना, कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो हम वो उस टाइम भी हम कौन सी प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो व्हाट हैपन इन दिस केस इज़ व्हेनेवर ग्लूकोज रिएक्ट, हाँ ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है ना, जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं, तो किसकी ब्रेकडाउन होती है? ग्लूकोज की, जो हमारे अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज व्हेनेवर रिएक्ट विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट गिव राइज टू 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोजिट। तो जब भी वेजिटेबल की डिकम्पोजिशन होती है, तब भी क्या होती है? हीट बाहर को रिलीज होती है, तो वो भी हमारे एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस में आता है। ठीक है, सो ये बेसिकली, जैसे अब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये नाम से ही हमें पता चलता है कि जब भी दो चीज़ें कंबाइन करती हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करती हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं वो, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके भी नेम से ही पता चलता है, डिकम्पोजिशन मतलब किसी चीज़ का, एक चीज़ का डिकम्पोज हो जाना, किसी एक सिंगल चीज़ है उसको हम किस तरह डिकम्पोज करेंगे, कि उस पर कोई, जैसे मान लो कि कोई पत्थर है, उसको हम कैसे तोड़ेंगे? उस पर हम किसी चीज़ से, हैमर से उसको मारेंगे तो वो बड़े सारे छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हो जाएगा। उसी तरह ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इंटू अ सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो वो हैमर का काम कौन कर रहा है? हीट कर रही है हैमर का काम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिया हुआ है इसमें, कि दो मॉलिक्यूल लिए हुए हैं फेरस सल्फेट के, जब भी हम इनको हीट कराएंगे, ठीक है, फेरस सल्फेट को हम जब भी हीट कराएंगे तो फेरिक ऑक्साइड मिलेगा हमें, और सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में मिलेगा। तो ये जब भी हम इनको हीट कराएंगे, तो एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, और हमें ये फेरिक ऑक्साइड देंगे सॉलिड फॉर्म में, और सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो लाइमस्टोन है, इसको हीट करेंगे तो ये हमें क्या देगा? क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ये सीमेंट में भी यूज़ होता है, तो ये क्विक लाइम देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये भी डिकम्पोजिशन, यहाँ पे एक था ना ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट पूरा ब्रेक होके दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमें, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और एक कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, विच इज़ आल्सो नोन एज क्विक लाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे दो मॉलिक्यूल लिए हैं लेड नाइट्रेट के, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिया हुआ है कि अगर हम इस, ये बर्नर है जैसे, और ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें लेड नाइट्रेट डाला हुआ है, और अगर इसको हम, ये ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, इसको हम बर्न करेंगे बर्नर पे लेड नाइट्रेट के, ठीक है, तो ये इसकी फ्यूम्स निकलेंगी, पहले तो इसकी फ्यूम्स निकलेंगी थोड़ी, ठीक है, अगर इसको हीट करेंगे, और एक तो ये फॉर्म करेगा लेड ऑक्साइड, चार मॉलिक्यूल रिलीज़ करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के और ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, ठीक है, एंड इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेसेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो रही हैं। ठीक है, तो जब भी डिकम्पोजिशन होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ हीट, उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। सो जब भी किसी भी हमें रिएक्टेंट को डिकम्पोज करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन हीट होता है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि सिल्वर क्लोराइड है ना, दो मॉलिक्यूल लिए सिल्वर क्लोराइड के सॉलिड फॉर्म में, जैसे ये है, ये चाइना डिश में लिए हमने सिल्वर क्लोराइड लिया और ये सन की प्रेजेंस में रख दिया, इस पर सनलाइट पड़ेगी तो ये क्या करेगा? अपने कलर चेंज करेगा और ये क्या ब्रेक हो जाएगा किसमें? एक तो सिल्वर में और क्लोरीन में, अलग अलग दो अलग अलग उसमें एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न इंटू ग्रे, ये जो सिल्वर क्लोराइड था ये पहले वाइट था, जब इस पे सनलाइट पड़ी तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ये हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में,
राइट। सो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। तो ये जो रिएक्शन है, ठीक है, तो इस रिएक्शन को होने में हमें हीट चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए कुछ हमें एनर्जी, रिक्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ना, तो उसी के वजह से जो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हमें इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मीन्स या इस साइड, जैसे ये रिएक्टेंट है ना, तो यहाँ पे कोई, जैसे ये मान लो यहाँ पे इसको डिकम्पोज करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट एनर्जी चाहिए होती है ना, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक मतलब इसको ये हीट एब्जॉर्व करता है, रिलीज नहीं करता, इसको चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो एज इट्स नेम इंडिकेट दैट इट डिस्प्लेस, इन दिस रिएक्शन एलिमेंट डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो जैसे कि हमने दो टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब ए और बी, है ना। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है इन्होंने कि हमने नेल्स ली, ठीक है, कॉपर नेल्स ली, जो तो उनको हमने सॉल्यूशन, एक तो उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया है ना, और एक ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो एज इट इज रहने दिया। तो थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कि जो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर था वो फेड सा हो जाएगा, है ना, और जो आयरन नेल है, ठीक है, वो ब्राउनिश सी हो जाएगी, और ज़्यादा ब्राउनिश सी हो जाएगी, ठीक है। और जो दूसरी एक सिंपल नेल है जो, वो वैसे की वैसी रहेगी, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगा, आयरन लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है, और इसको रिएक्ट कराया, तो ये जो सल्फेट है वो Fe के साथ डिस्प्लेस हो गया ना, इसने अपनी जगह चेंज कर ली, है ना, और ये जो कॉपर है वो सॉलिड फॉर्म में बाहर आ गया, है ना। तो ये जो बताया हुआ है कि कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ जब ये रिएक्शन हुआ तो आयरन सल्फेट बना और कॉपर सॉलिड फॉर्म में रह गया, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक और कॉपर सल्फेट को जब ये रिएक्ट करा रहे हैं, तो जिंक सल्फेट ये भी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया ना, पहले कॉपर के साथ था फिर ये जिंक के साथ चला गया, ठीक है। तो ये रिएक्शंस दिए हैं, कुछ एक एग्जांपल हैं, जैसे ये लेड है ना, सॉलिड फॉर्म में लिया हुआ है, और ये कॉपर क्लोराइड है जो एक्वस फॉर्म में है, तो ये भी डिस्प्लेस हो रहा है ना, लेड क्लोराइड बना रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे रिएक्शन है कि नेक्स्ट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि दो जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यहाँ पे एक ही पोजीशन पे डिस्प्लेस हो रहे थे ना, ये इसके साथ ये डिस्प्लेस हो, यहाँ पे दो जगह पे डिस्प्लेस, जैसे ये सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, जब इनको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, ये जो बेरियम है ये इसके साथ जुड़ गया है ना, और ये क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड बनाया एक्वस फॉर्म में। तो इनमें क्या होता है, ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं किसी पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में, तो ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर आता है, ठीक है, ये वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं इसके, ठीक है। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते, दो दो पोजीशन में साथ साथ डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, ये यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसको इसीलिए बोला गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आगे कुछ एक टर्म्स दी हुई हैं, ऑक्सीडेशन जैसे, है ना, और रिडक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जैसे इन्होंने बोला है कि कोई भी सब्सटेंस जब भी ऑक्सीजन गेन करता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन गेन करेगा तो बोलेंगे कि वो एक ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, ठीक है, और जब भी ऑक्सीजन लूज करेगा तो बोलेंगे कि ये रिड्यूस फॉर्म में है। तो जैसे कि कॉपर है ना, इसको ऑक्सीजन की फॉर्म में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ना, तो कॉपर ऑक्साइड बनाया, तो इसने क्या करा, इसने ऑक्सीजन गेन करी है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट कराया, ठीक है, तो कॉपर बना और ये वाटर की फॉर्मेशन हुई, तो इसने तो ऑक्सीजन लूज कर दिया ना, तो ये हुआ है रिड्यूस, कॉपर जो है वो रिड्यूस हुआ है और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। तो वेन एवर वी प्लेस पुट इट ऑन द पैट्री डिश विद द वर्नर, दिस कॉपर चेंज इट्स कलर टू ब्लैक, ठीक है, और उसके बाद ये अपना कलर, जब भी हम इसको हाइड्रोजन के साथ हीट कराएंगे तो ये अपना कलर दोबारा से रिवर्सली चेंज कर लेगा, जो उसका नॉर्मल कलर है, ठीक है। तो आगे है, नेक्स्ट है जैसे ये है ना, ये भी वही दिया हुआ है ना जो पीछे हमने पढ़ा था।
तो इसमें बोला हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड और ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ना, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन है ना। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में परफॉर्म होती है तो हम उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन इन आर डेली लाइफ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हमारी डेली लाइफ में क्या, कैसे हम उसको, हमारी डेली लाइफ में कैसे हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही है। सबसे पहले है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, कोई भी मेटल है जब भी वो ऑक्सीजन की उसमें आती है, प्रेजेंस में आती है, या ऑक्सीजन उस पर अटैक कर देता है, सच एज मॉइस्चर के फॉर्म में, किसी एसिड के फॉर्म में, तो वो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, करोड़ होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन हो गया इसका, ठीक है। तो उसकी कोटिंग जो, उसको कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम किसी भी मेटल पे पेंट करते हैं, ठीक है। तो जो सिल्वर है उसकी ब्लैक कोटिंग को देखने को मिलती है और जो कॉपर है उसकी ग्रीन कोटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। तो नेक्स्ट है रेंसिडिटी, ठीक है। तो कोई भी खाने की वस्तु, कोई भी चीज़ है ना, जैसे कि फैट ऑयल है ना, उस वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आती है तो वो रेंसिड हो जाती है, ख़राब होने स्टार्ट हो जाती है, तो उसको भी हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो ये है कि ऑक्सीडेशन कैसे हुआ करती है हमारी डेली लाइफ में। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। आई होप आप सभी को फर्स्ट चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ बताएं मुझे कि कैसे इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, और आपको कैसा लगा, ये कैसी आपका एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट चैप्टर पढ़ने का, ठीक है। थैंक यू।